नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट की रिवीजन का ये हमारा पांचवा लेक्चर है। इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप पॉलिटिकल साइंस कोर्स और मेन्स बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो video.onlyis.in पर जाके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स के बारे में है, जिसे स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कंटेस्ट है? ट्रैफिक की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है साउथ एशिया के 7 कंट्रीज में इलीगल ट्रेड में जितने ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स को पकड़ा गया है, उसमें से 29% ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स को पकड़ा गया है इंडिया में। ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स नेचुरली मिलते हैं साउथ एशिया में और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, यूपीएससी पूछ सकती है, क्या ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स ब्रैकिश वाटर यानी सलीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों तरह के वाटर में मिलते हैं? नहीं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स। और वैसे देखो, एक समय था जब इन टर्टल्स का इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था इन टर्टल्स का, यानी लोग खाने में इस्तेमाल करते थे ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स का। लेकिन आजकल इलीगल ट्रेड इसलिए होता है, वर्ल्ड के कई हिस्सों में डोमेस्टिकेट किया जाता है, यानी पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स को। IUCN की रेड लिस्ट में ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स आते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कहां पर मिलते हैं ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स? इंडिया में देखो, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी मिलते हैं ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स, पंजाब, राजस्थान और मेघालय। हम बात करें ट्रैफिक की, जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है ब्लैक स्पॉटेड टर्टल्स के बारे में। ये देखो, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है वर्ल्ड में वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड होता है, उससे नेचर के कंजर्वेशन पर किस प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़े। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि वाइल्ड एनिमल्स के इलीगल ट्रेड को रोकने की कोशिश करता है ट्रैफिक। कैसे? रिसर्च की सहायता से। पहले जो वाइल्ड एनिमल्स के इलीगल ट्रेड के केसेस पकड़े गए हैं, उनको एनालाइज करके, अवेयरनेस फैला के और विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस दे के। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक देखो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है IUCN प्लस WWF का। WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो दो बॉडीज का अलायंस है ट्रैफिक, IUCN प्लस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। UPSC ने क्वेश्चन पूछा था ट्रैफिक के बारे में 2017 में, उस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ट्रैफिक के बारे में, यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स के बारे में। पहली स्टेटमेंट, ये एक ब्यूरो है, UNEP के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट, मिशन हेड ट्रैफिक का वाइल्ड प्लांट्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड अगर होता है तो उससे नेचर के कंजर्वेशन पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़े। तो आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था IUCN प्लस WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का अलायंस है ट्रैफिक। पहली स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर बी होगा, 2017 का ये क्वेश्चन है। ट्रैफिक के द्वारा अभी जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। UPSC इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे ये पूछ लेगी रेटा, ये प्रोजेक्ट सुर्खियों में था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? आंसर होगा ट्रैफिक। रेटा प्रोजेक्ट है अफ्रीका स्पेसिफिक, मकसद है अफ्रीका की वाइल्ड स्पीसीज और इकोसिस्टम को ट्रेड से होने वाले खतरे से बचाना। कैसे? नॉलेज को स्ट्रेंथन करके और अफ्रीका में एक्शन लेके। दूसरा प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है ट्रैफिक के द्वारा, उसका नाम है वाइल्ड लाइफ ट्रैप्स, पूरा नाम है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग रिस्पॉन्स असेसमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग। तीसरा प्रोजेक्ट द ग्लोबल शार्क एंड रे इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का मकसद है हमारे ओशियंस के फ्यूचर को सिक्योर करना। कैसे?
सार्क और रे को कंजर्व करके। तो इन तीन प्रोजेक्ट्स के नाम आप याद रखिएगा, इनको चलाया जा रहा है ट्रैफिक के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सतत इनिशिएटिव के बारे में है। सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल, पूरा नाम है इसका सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। इस इनिशिएटिव का मकसद है एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को प्रमोट करना और ये इंश्योर करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्लांट्स इस्टाब्लिश हों कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के, ताकि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस अवेलेबल हो मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा व्हीकल्स में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल किया जा सके। इस इनिशिएटिव को देखो लॉन्च किया जाएगा पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ मिलके। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होंगी वो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करेंगी कि आप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के प्लांट्स इस्टाब्लिश करें। हम बात करें बायोगैस के बारे में, बायोगैस को देखो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है अगर वेस्ट या फिर बायोमास सोर्सेज की एनारबिक डिकम्पोजिशन होती है। एनारबिक का मतलब है फ्री ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और बायोमास सोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कैटल डंग, सुगर केन, प्रेस्ड मड, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट, प्लांट वेस्ट, ये सब एग्जांपल्स हैं बायोमास सोर्सेज के। तो अनारबिक डिकम्पोजिशन के बाद जो गैस हासिल होगी उसका प्यूरिफिकेशन हम करते हैं और उसको कंप्रेस हम करते हैं तो हमें हासिल होती है कंप्रेस्ड बायोगैस जिसमें 95% प्योर मीथेन कंटेंट होता है। कंपोजिशन और एनर्जी पोटेंशियल के हिसाब से हम देखें तो कंप्रेस्ड बायोगैस ठीक वैसे ही होती है जैसे कॉमर्शली अवेलेबल नेचुरल गैस होती है, लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन आपको ये बताना है इनमें से कौन सी गैस मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। चार ऑप्शंस हैं, देखो इसका सही आंसर बायोगैस ही है। बायोगैस इनमें से सबसे ज़्यादा सस्ती भी है और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल भी है, यानी सबसे कम हार्मफुल गैसेज एमिट होती हैं बायोगैस से। देखो इस सतत इनिशिएटिव के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला एडवांटेज तो यही होगा वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से होगा और कार्बन एमिशंस रिड्यूस होगा, इससे पोल्यूशन भी कम होगा, फार्मर्स को एडिशनल रेवेन्यू हासिल होगा क्योंकि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज फार्मर बेच सकेंगे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को, एंटरप्रेन्योरशिप इस्टाब्लिश होगी रूरल एरियाज में। दूसरे देशों से हम नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी, और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस एक प्रकार से बफर का भी काम करेगा क्रूड ऑयल और गैस की कीमतें अगर मार्केट में बढ़ती हैं तो। एकदम से जब कीमतें बढ़ेंगी तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव के बारे में है। देखो 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में यह तय हुआ था 2020 के बाद हर एक साल $100 बिलियन की मदद दी जाएगी डेवलप कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपट सकें। और ये मदद आएगी दोनों पब्लिक डेवलपमेंट फाइनेंस की फॉर्म में भी और प्राइवेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी। देखो पब्लिक डेवलपमेंट फाइनेंस का मतलब है मान लीजिए कोई डेवलप कंट्री UK मान लीजिए या फिर फ्रांस मान लीजिए किसी गरीब देश में कोई प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करता है क्लीन एनर्जी से संबंधित, तो ये तो आप कह सकते हो टाइप है पब्लिक डेवलपमेंट फाइनेंस का। अगर कोई बड़ी कंपनी इंटरनेशनल फर्म क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करती है गरीब देश में तो वो फॉर्म होगी प्राइवेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अब देखो प्राइवेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए या फिर आप कह सकते हो प्राइवेट कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, उसी का नाम है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में मेंबर्स होंगे टॉप इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स के और कॉरपोरेशंस के। ये इनिशिएटिव फोकस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए बड़ी प्राइवेट फर्म्स की तरफ से क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, ताकि क्लाइमेट चेंज को होने से रोका जा सके। एक साल तक काम करेगा ये क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। सितंबर 2019 में UN क्लाइमेट समिट जब ऑर्गेनाइज होगा उस समय तक काम किया जाएगा इस इनिशिएटिव के द्वारा, और ये इनिशिएटिव
गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर काम करेगा और पहली रिपोर्ट सौंपेगा जुलाई 2019 में G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स की जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। अगर UPSC पूछती है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव किस लिए है, याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने के लिए प्राइवेट कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए है। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल जियोपार्क्स के बारे में है। पहले तो हम डेफिनेशन जान लेते हैं ग्लोबल जियोपार्क्स आखिरकार हैं क्या। ग्लोबल जियोपार्क्स देखो सिंगल यूनिफाइड ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जहां पर साइट्स को और लैंडस्केप्स को जो कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के हैं इस प्रकार से मैनेज किया जाता है उन साइट्स की उन लैंडस्केप्स की ना सिर्फ प्रोटेक्शन हो उनके बारे में जागरूकता फैले बल्कि उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। ये डेफिनेशन है ग्लोबल जियोपार्क की, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन है। ग्लोबल जियोपार्क को देखो कंजर्व करने के लिए बॉटम अप अप्रोच अपनाई जाती है, मतलब कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, कम्युनिटी के साथ मिलकर ग्लोबल जियोपार्क साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी तक वैसे मैं आपको पहले बता दूं यूनेस्को के द्वारा किसी साइट को ग्लोबल जियोपार्क साइट का दर्जा दिया जाता है और अभी तक फिलहाल यूनेस्को ने 38 कंट्रीज में 140 साइट्स को ग्लोबल जियोपार्क्स का स्टेटस दिया है। ये देखो ठीक वैसे ही है जैसे यूनेस्को के द्वारा किसी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को ग्लोबल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, उसी प्रकार से यूनेस्को के द्वारा ही ग्लोबल जियोपार्क का भी दर्जा दिया जाता है किसी साइट को। कुछ चीज़ें जो होना ज़रूरी है अगर कोई साइट ग्लोबल जियोपार्क का स्टेटस हासिल करना चाहती है यूनेस्को से, वो साइट एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी हो, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान हो उस साइट के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन प्लान हो, फाइनेंस प्लान हो, ये सब चीज़ें। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं ग्लोबल जियोपार्क, कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट देखो ये है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे देश में दो साइट्स का चुनाव किया है, महाराष्ट्र की लोनर लेक और सेंट मैरी आइलैंड एंड मालपे बीच, ये कोस्टल कर्नाटका में है। इन दो साइट्स को भेजा जाएगा यूनेस्को के पास ताकि इनको भी ग्लोबल जियोपार्क्स का स्टेटस मिल सके यूनेस्को की तरफ से। लोनर लेक देखो धरती पर मेट्रोराइट टकराया था उससे बनी थी लोनर लेक। वैसे कहानी बताऊं ग्लोबल जियोपार्क का कंसेप्ट आया कैसे, 2004 में 17 यूरोपियन और 8 चाइनीज जियोपार्क्स एक साथ आए पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर में और इन्होंने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क यानी GGN। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद देखो 2015 में 195 मेंबर कंट्रीज, यूनेस्को की जो 195 मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने रेटिफाई किया यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स इस्टेब्लिश करने के लिए। यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स के द्वारा अब किसी साइट को ग्लोबल जियोपार्क का स्टेटस दिया जाता है। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, यूनेस्को के द्वारा अगर किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है तो वो मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं कि हर 10 साल बाद या 15 साल बाद रिव्यू किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, एक बार मिल गया तो परमानेंट मिल गया। लेकिन अगर यूनेस्को के द्वारा किसी साइट को ग्लोबल जियोपार्क का स्टेटस दिया जाता है तो हर 4 साल के बाद रिव्यू किया जाता है, एक बार स्टेटस मिल गया मतलब ग्रीन कार्ड मिल गया, 4 साल बाद रिव्यू होगा। अगर वहाँ की अथॉरिटीज जो क्राइटेरिया हैं उसको फिर से फुलफिल कर रहे हैं तो ठीक है 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर वहाँ की अथॉरिटीज जिस साइट को ग्लोबल जियोपार्क का स्टेटस मिला है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं तो उनको 2 साल का टाइम दिया जाएगा, यानी येलो कार्ड दिया जाएगा 2 साल का टाइम है आपके पास, क्राइटेरिया को फिर से फुलफिल करवा लीजिए। अगर वो अथॉरिटीज वहाँ की फुलफिल करवा लेते हैं तो ठीक है फिर से ग्रीन कार्ड, अदरवाइज रेड कार्ड दे दिया जाता है, मतलब आपकी साइट अब ग्लोबल जियोपार्क नहीं रही। चलते हैं आगे, जल्दी से हम उन साइट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भेजा गया है यूनेस्को के पास ताकि इनको यूनेस्को जियोलॉजिकल जियोपार्क का स्टेटस दे। पहली साइट है लूनर लेक, जैसा हमने पहले डिस्कस किया धरती पर एक मीटोराइट गिरा था और उस मीटोराइट के गिरने से गड्ढा हो गया था और उसी गड्ढे में है ये लूनर लेक, इसे जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिला 1979 में। पूरे वर्ल्ड में ये एकमात्र मीटोराइट क्रेटर है जो कि बसाल्टिक रॉक से बना है। अब बात करते हैं सेंट मैरी आइलैंड की, इसे देखो कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पिक्चर देखिए। इसे नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1975 में।
ये 88 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉर्मेशन है। जब ग्रेटर इंडिया अलग हुआ था मदगास्कर से, तब ये फॉर्म हुआ था। ये आइलैंड इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है सेंट मैरी आइलैंड पर। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करें उससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाल ही में स्टेटस ऑफ एम्बिएंट नॉइस लेवल इन इंडिया 2017 रिपोर्ट रिलीज की गई थी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? पहला ऑप्शन आवाज फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन नेशनल नॉइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा ऑप्शन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB, चौथा नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर है 3 यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज की गई और इस रिपोर्ट में पाया गया दिल्ली हमारे देश में ऐसा मेट्रो सिटी है जहां पर सबसे ज़्यादा शोर शराबा होता है, यानी नॉइसेस्ट सिटी है दिल्ली। उसके बाद नंबर आता है कोलकाता का, उसके बाद बेंगलुरु और उसके बाद चेन्नई। देखो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 के अनुसार नॉइस भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेस पे इवेल्यूएट किया जाता है इन्वायरमेंट की क्वालिटी कैसी है, और अर्बन एरियाज में नॉइस को मॉनिटर किया जाता है। गांव में देखो इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है उसकी वजह से शोर शराबा हो रहा हो तो अलग बात है, अदरवाइज गाँव में इतना शोर शराबा नहीं होता। इसी वजह से सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही मॉनिटर किया जाता है नॉइस को, और इसके लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक प्रोग्राम भी डेवलप किया है, नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत कई सारी मेट्रो सिटीज़, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, इन मेट्रो सिटीज़ में नॉइस को मॉनिटर करने के लिए नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशंस इस्टाब्लिश किए हैं यानी इंस्टॉल किए हैं। फैक्ट्स मेनली आपको देखो 3 याद रखने हैं। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई? CPCB के द्वारा। सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाली मेट्रो सिटी कौन से है हमारे देश में? दिल्ली। और तीसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 के अनुसार नॉइस भी एक पैरामीटर है जिसके बेस पे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेजर किया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिथनोल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नॉर्थ ईस्ट एंड असम पेट्रोकेमिकल्स, ये एक सरकारी कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा इंडिया का पहला मिथनोल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये एशिया का पहला कैनिस्टर्स बेस्ड मिथनोल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम होगा। कैनिस्टर का मतलब होता है डिब्बा, टीन का डिब्बा, यानी टीन के डिब्बे में ये फ्यूल मिलेगा। देखो काफ़ी सस्ता होगा, कितना सस्ता होगा सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कितने घंटे चलेगा एक टीन का डिब्बा, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कहा यह जा रहा है एक टीन का डिब्बा जिसमें ये फ्यूल होगा 1.2 लीटर का होगा और वो 5 घंटे तक चलेगा। अगर कोई फैमिली है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, 8 इस प्रकार के टीन के डिब्बे खरीदे जाते हैं तो 1 महीने तक काम चल जाएगा उस फैमिली का। मिथनॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिथनॉल को हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मिथनॉल फ्यूल की हम बात करें तो काफ़ी क्लीन फ्यूल है और काफ़ी सस्ता भी है एज कंपेरिजन टू फॉसिल फ्यूल्स जैसे नेचुरल गैस, कोल इत्यादि। अभी इंडिया मिथनॉल को इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से और ईरान से। मिथनॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। देखो मिथनॉल को एज ए एनर्जी प्रोड्यूसिंग फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कुकिंग के लिए भी। इवन CNG से ज़्यादा आसान है मिथनॉल को एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इस्तेमाल करना, क्योंकि CNG को जब एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है तो व्हीकल्स में मेजर बदलाव की आवश्यकता पड़ती है व्हीकल्स के इंजन में, लेकिन मिथनॉल को जब एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है तो व्हीकल्स में ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया काफ़ी क्लीन फ्यूल है, सल्फर ऑक्साइड्स, SOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx और दूसरे जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जिनसे स्मोग उत्पन्न होता है, ये सब गैसेस एमिट नहीं होती जब मिथनॉल को एज ए एनर्जी प्रोड्यूसिंग फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिए मैंने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए कि मिथनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है इनमें से कौन से सोर्सेज से, मेरा पहला ऑप्शन है नेचुरल गैस, दूसरा ऑप्शन है रिन्यूएबल सोर्स जैसे कि बायोमास, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कोल और पांचवा ऑप्शन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आप ये बताइए कि इनमें से कौन से सोर्सेज हैं जिनसे मिथनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। देखो पांचों के पांचों सोर्सेज सही हैं, मतलब मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बता दिया ये 5 सोर्सेज हैं और इवन इससे ज़्यादा भी होंगे जिनसे मिथनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, नेचुरल गैस, उसके बाद बायोमास,
कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, तो ये आप याद रखिएगा, यूपीएससी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। इसके अलावा मिथेनॉल देखो, हाई ऑक्टेन व्हीकल फ्यूल है, यानी जब मिथेनॉल को व्हीकल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो व्हीकल की जो एक्सेलरेशन और पावर है वो बढ़ जाती है, इससे व्हीकल की जो एफिशिएंसी है उसमें इजाफा देखने को मिलता है। यहाँ पे लास्ट में कुछ आंकड़ा भी दिया हुआ है, मिथेनॉल को जब 15% ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ तो इससे पॉल्यूशन में 33% की कमी देखने को मिल सकती है, और अगर डीजल को रिप्लेस कर दिया जाए मिथेनॉल से तो 80% पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की मिथेनॉल के बारे में। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एशियाटिक लायंस के बारे में है। पिछले एक महीने में काफ़ी सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हो गई हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस इशू को डिस्कस किया था एडिटोरियल की वीडियो में, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से। देखो, पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लायंस सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के एरिया में। इसके अलावा एशियाटिक लायंस कहीं नहीं मिलते हैं। अगर हम उन एशियाटिक लायंस को ना काउंट करें जो चिड़ियाघरों में मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ में टोटल एशियाटिक लायंस की संख्या है 700 यानी 700। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत एशियाटिक लायंस प्रोटेक्टेड हैं शेड्यूल 1 के अंदर। नेक्स्ट, साइट्स जो कि एक कन्वेंशन है इनडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में प्रोटेक्टेड हैं एशियाटिक लायंस और IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी एशियाटिक लायंस के बारे में। अब आते हैं फिर से कंटेस्ट की तरफ। पिछले एक महीने में इतने सारे एशियाटिक लायंस की डेथ क्यों हुई है? संभावना देखो ये जताई जा रही है, गिर नेशनल पार्क और आसपास के एरिया में एशियाटिक लायंस को इन्फेक्ट किया है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ने और पैरासाइट के काटने से होने वाले बेबियोसिस डिजीज ने। पहले हम बात करें कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की। देखो, 1993-94 के आसपास तंजानिया में भी बहुत सारे लायंस को इसी वायरस ने इन्फेक्ट किया था और बहुत सारे लायंस की डेथ हो गई थी उस समय। ये एक कंटाजियस और सीरियस डिजीज है, मतलब एक एशियाटिक लायंस से दूसरे एशियाटिक लायंस में ये डिजीज फैलता है और ये डिजीज सीधा अटैक करता है कैट्स की स्पीसीज और डॉग की फैमिली के रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और नर्वस सिस्टम पर। इससे डेथ हो जाती है डॉग फैमिली या फिर कैट की स्पीसीज के सदस्यों की। हम बात करें बेबियोसिस की, ये देखो पैरासाइट के काटने से होता है और इससे जिस भी एनिमल को ये डिजीज होता है उस एनिमल के RBC यानी रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट होते हैं और टिक एक मीडियम का काम करती हैं इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन के लिए, यानी टिक की वजह से ये डिजीज़ एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट होता है। अब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्पीसीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आती है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से। पहला है एशियाटिक लायन, दूसरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तीसरा कश्मीर स्टैग, चौथा वाइल्ड कैट। तो आप बताइए इन चारों में से कौन से एनिमल की स्पीसीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आती हैं। देखो, एशियाटिक लायन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से एशियाटिक लायन, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो अगर हम वन को एलिमिनेट करें तो तीन ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ बी बचेगा। और वाइल्ड कैट IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कश्मीर स्टैग, ये दोनों क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यूरेशियन ऑटर के बारे में है। ऑटर का मतलब है उदबिलाव। ये तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर यूरेशियन ऑटर की। ऑटर यानी उदबिलाव की देखो 3 कॉन्टिनेंट्स में 7 सब स्पीसीज पाई जाती हैं। कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स में? यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। हम बात करें यूरेशियन ऑटर की, ये IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। कई तरह के हैबिटेट में रहता है यूरेशियन ऑटर, जैसे कि लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, मार्सिस, स्वैम्प फॉरेस्ट और कोस्टल एरियाज। इंडिया में भी देखो यूरेशियन ऑटर मिलता है।
वर्ल्ड में जो 7 स्पीसीज हैं ओटर की यानी उदबिलाव की, 7 में से 3 सब स्पीसीज तो इंडिया में भी मिलती हैं, यूरेशियन ओटर, दूसरा स्मूथ कोटेड ओटर और तीसरा क्लॉलेस ओटर। यूरेशियन ओटर इंडिया में मिलता है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में स्पेसिफिकली हम बात करें तो कर्नाटक का कुर्ग इलाका, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स और पालनी हिल रेंजेस, यहाँ पे यूरेशियन ओटर को रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट, यूरेशियन ओटर को बाकी ओटर्स की अपेक्षाकृत इंडिया में कम देखा जाता है। स्मूथ कोटेड ओटर और क्लॉलेस ओटर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि यूरेशियन ओटर कम देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में प्रोटेक्टेड है यूरेशियन ओटर। स्मूथ कोटेड ओटर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में प्रोटेक्टेड है, लेकिन क्लॉलेस ओटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। साइट्स जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, ये कन्वेंशन है इंडेंजर स्पीसीज के इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है यूरेशियन ओटर, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है स्मूथ कोटेड ओटर, और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है क्लॉलेस ओटर। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, देखो क्या ये सब याद रखने की आवश्यकता है, साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में आता है, कौन सा एनिमल। देखो हर एक को तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन जो न्यूज़ में हैं उन पर आप एक बार ज़रूर नज़र डाल सकते हो। एक्चुअली यूपीएससी ने पूछ लिया था, 2014 में पूछा था यूपीएससी ने कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है। इसीलिए सिर्फ जो न्यूज़ में रहते हैं उन पर नज़र डालना ठीक रहेगा, तब तो कॉस्ट बेनिफिट पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज अगर सारा ही याद करना हमने स्टार्ट कर दिया तो टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और पता भी नहीं क्वेश्चन पूछा भी जाएगा या फिर नहीं, तो उस सिचुएशन में कॉस्ट बेनिफिट की रेशियो जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गंगा टास्क फोर्स के बारे में है। गंगा टास्क फोर्स देखो टेरिटोरियल आर्मी की एक यूनिट है जिसको डिप्लॉय किया जाएगा गंगा नदी की सर्विसेज में। 100 पर्सनल की 3 कंपनीज होंगी जिनको तैनात किया जाएगा कानपुर में, इलाहाबाद में और वाराणसी में। पूरी बटालियन का हेडक्वार्टर होगा इलाहाबाद में। गंगा टास्क फोर्स को फॉर्म करने का अप्रूवल मिला था कुछ समय पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। गंगा टास्क फोर्स के जो पर्सनल हैं उनको ट्रेन किया जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी, ताकि गंगा नदी को साफ किया जा सके, गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और इंडस्ट्रीज़ को, लोगों को रोका जा सके कि वो गंगा नदी को पोल्यूट ना करें। फ्लड या फिर कोई दूसरी नेचुरल कैलमिटी आती है तो उस समय भी अपनी सर्विसेज दी जा सके गंगा टास्क फोर्स के द्वारा। सोइल इरोजन को रोकने के लिए गंगा नदी के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट किया जाए और जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है वहाँ पे भी पेट्रोलिंग करेगी गंगा टास्क फोर्स। तो ये सारे काम होंगे गंगा टास्क फोर्स के। गंगा टास्क फोर्स फोर्स में रहेगी दिसंबर 2020 तक, और आने वाला जो कुंभ का मेला होगा कुंभ के मेले में भी क्राउड मैनेजमेंट की जाएगी गंगा टास्क फोर्स के द्वारा। टेरिटोरियल आर्मी को रिवाइज हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहली स्टेटमेंट, टेरिटोरियल आर्मी एक वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स है सिविलियंस की जो कि रेगुलर इंडियन आर्मी का पार्ट है। दूसरी स्टेटमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करती है टेरिटोरियल आर्मी एसेंशियल सर्विसेज की मेंटेनेंस में। आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं या फिर गलत हैं। अब हम रिवाइज करते हैं टेरिटोरियल आर्मी को। वैसे तो देखो टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया गया था अंग्रेजों के समय, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1949 में इसे रिकंस्टिट्यूट कर दिया गया था, तो उसके बाद कल इसका 68वां स्थापना दिवस है। टेरिटोरियल आर्मी जो होती है वो सेकंड डिफेंस लाइन का काम करती है आर्मी के बाद। अब देखो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं कौन ज्वाइन कर सकता है टेरिटोरियल आर्मी को। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी कोई पर्सन मान लीजिए बैंक में काम कर रहा है या फिर एग्रीकल्चर है, किसान है, वो सब ज्वाइन कर सकते हैं अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो। टेरिटोरियल आर्मी के SS भी होती है, प्रॉपर ढंग से टेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं, डेली जो जीवन है सिविलियन की लाइफ जीते रहते हैं, लेकिन जब आर्मी को जरूरत पड़ती है तो उनको बुला लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे
जब 65 में, 62 में, 71 में जब वार हुआ था तो टेरिटोरियल आर्मी की हेल्प ली गई थी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। तो इस प्रकार से जो टेरिटोरियल आर्मी होती है वो सेकंड डिफेंस लाइन काम करती है आर्मी के बाद, और इसमें सिविलियंस ही होते हैं। और इवन वन ऑफ द क्राइटेरिया यही है कि जो सिविलियंस होते हैं वो वेल सेटल्ड होने चाहिए, उनको तवज्जो दी जाएगी। यानी अगर कोई पर्सन बैंक में काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट का कोई खतरा नहीं है, वेल सेटल्ड है, तो उसको तवज्जो दी जाएगी टेरिटोरियल आर्मी में, और समय पड़ने पर आर्मी उनको बुला लेगी। समझ गए? तो ये है टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बोथ वन एंड टू। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इन्वायरमेंट सर्वे के बारे में है, यानी NES। क्या कंटेस्ट है? इंडिया के द्वारा पहला नेशनल इन्वायरमेंट सर्वे लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2019 में, और इस सर्वे के अंदर 24 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के 55 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वायरमेंट डेटा की मैपिंग होगी काफ़ी सारे पैरामीटर्स के आधार पर, जैसे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में एयर क्वालिटी कैसी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, सोइल क्वालिटी कैसी है, सॉलिड हैजार्डस और ई वेस्ट को किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना, वेटलैंड्स, लेक्स, रिवर्स और बाकी वाटर बॉडीज, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा 55 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वायरमेंट संबंधित डेटा की मैपिंग के लिए। और अगर देखो किसी डिस्ट्रिक्ट ने अच्छी इन्वायरमेंट संबंधित प्रैक्टिसेस को अपनाया है इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस डिस्ट्रिक्ट को अच्छी रैंकिंग दी जाएगी। यहाँ पे देखो, नेशनल इन्वायरमेंट सर्वे विल रैंक ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन देयर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट की इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे रैंकिंग में अच्छा स्थान मिलेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छी प्रैक्टिसेस को अपनाया है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए उसे अच्छा स्थान मिलेगा। किसके द्वारा ये सर्वे किया जाएगा? देखो, ये सर्वे करवाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसके रिसोर्स पार्टनर्स की सहायता से। क्या किया जाएगा इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा? देखो, 9 किलोमीटर लेंथ और 9 किलोमीटर ब्रेथ के ग्रिड्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि इन्वायरमेंट संबंधित डेटा को आसानी से मैप किया जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल इन्वायरमेंट सर्वे के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नागालैंड की सरकार के द्वारा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। यह हमारे देश का 30वां एलिफेंट रिजर्व होगा। संख्या के मामले में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इन चारों में से संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? चाहे बायोस्फीयर रिजर्व मान लीजिए। देखो, सबसे ज़्यादा संख्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। कितना? 643, 644 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे देश में। नेशनल पार्क्स की संख्या है 105, टाइगर रिजर्व की संख्या है 50, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या शायद 18 के आसपास है, और एलिफेंट रिजर्व की संख्या है 30। नागालैंड के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है ये एलिफेंट रिजर्व। एक बार आप मैप को कंसिडर कीजिए, यहाँ पे है नागालैंड और इस पॉइंट के आसपास लोकेशन है सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। इससे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एलिफेंट का कंजर्वेशन प्रमोट होगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित है? पहला है ह्योग्यो फ्रेमवर्क, दूसरा सेंदई फ्रेमवर्क और तीसरा दोहा फ्रेमवर्क। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो, ह्योग्यो जो फ्रेमवर्क है वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित है। ये लागू था 2005 से लेके 2015 के बीच, यानी 10 सालों तक लागू था। 2015 में अडोप्ट किया गया सेंदई फ्रेमवर्क जो लागू है 2030 तक। ये 15 सालों के लिए लागू है, 2015 से लेके 2030 तक। लेकिन दोहा जो फ्रेमवर्क है वो WTO से संबंधित है। आपने सुना होगा दोहा टॉक ऑफ राउंड्स के बारे में। तो तीसरा गलत है, बाकी दो सही हैं। सही आंसर होगा ए, यानी 1 और 2। अब आइए आर्टिकल की तरफ। क्या कंटेस्ट है? 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन ऑब्जर्व किया गया। थीम थी इस बार की रिड्यूसिंग डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस। थीम जो है वो सेंदई फ्रेमवर्क पे ही आधारित है। आप टारगेट सी देखिए, यहाँ पर देखो 2030 से पहले
डिजास्टर्स की वजह से ग्लोबल जीडीपी में जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं उनको कम करना है 2015 की अपेक्षाकृत। तो इस टारगेट पे इस बार इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन की थीम आधारित है, रिड्यूसिंग डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस। अगली बार जब इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन ऑब्जर्व किया जाएगा, जब एक और टारगेट पे आधारित थीम होगी, फिर नेक्स्ट ईयर एक और टारगेट पे आधारित थीम होगी, यानी 7 जो टारगेट्स हैं सेंडई फ्रेमवर्क में, एक एक साल एक एक टारगेट पे फोकस थीम होगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्रेडेड एक्शन प्लान के बारे में है। कंटेस्ट हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं ग्रेडेड एक्शन प्लान के बारे में। देखो, आपको पता है पिछले 4-5 सालों में नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाकों में, खास करके दिल्ली और एनसीआर में, पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। दिल्ली और एनसीआर में सर्दियों में स्मोक का एक बादल आ जाता है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था ईपीसीए को, यानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस अथॉरिटी को आप कुछ ऐसे स्टेप्स बताइए जो लिए जा सकते हैं पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। तो ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को कहा जी, दिल्ली और एनसीआर में जब भी एयर क्वालिटी खराब हो जाती है तो अथॉरिटीज़ के द्वारा, चाहे वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो या फिर दिल्ली सरकार हो, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। जैसे कभी ओड एंड इवन की स्कीम लागू कर दी, कभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद कर दी, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए ये डिसीजन पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं तब तक पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका होता है, तो इन स्टेप्स का कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसीलिए ईपीए ने सुझाव दिया एक ग्रेडेड एक्शन प्लान होना चाहिए, जिसे बाद में सरकार ने अपनाया भी। ग्रेडेड एक्शन प्लान है क्या? ग्रेडेड एक्शन प्लान देखो ऐसा प्लान है, जैसे ही हवा की क्वालिटी खराब होती जाएगी कुछ स्टेप्स ऑटोमेटिक सरकार को लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर की क्वालिटी मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी में है, मतलब पर्टिकुलेट मैटर 2.5 61 से 120 यूनिट्स के बीच हैं और पर्टिकुलेट मैटर 10 101 से 350 यूनिट्स के बीच में हैं, तो ये सारे मेजर्स उठाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कूड़े के जलाने पर रोक लग जाएगी ऑटोमेटिकली, हैवी फाइन लगाया जाएगा अगर कोई गार्बेज यानी कूड़े को जलाता है, इंडस्ट्रीज़ में पोल्यूशन संबंधित रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया जाएगा। मतलब ये सारे मेजर्स उठाए जाएंगे अगर एयर क्वालिटी इस इंडेक्स में आती है। उसके बाद वेरी पुअर, अगर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 120 से 250 यूनिट्स के बीच में आता है तो ये सारे मेजर्स उठाए जाएंगे। डीजल जनरेटर्स के चलाने पर रोक लग जाएगी, पार्किंग के रेट जो हैं वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे, और अगर एयर क्वालिटी जो है वो इस कैटेगरी में आती है, सीवियर कैटेगरी में, तो ये सारे मेजर्स उठाए जाएंगे। ईंट भट्टों पर रोक लग जाएगी, स्टोन क्रशिंग संबंधित एक्टिविटीज़ पे बैन लग जाएगा, इवन बदरपुर पावर प्लांट को भी शटडाउन कर दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में, अगर देखो एयर क्वालिटी एमरजेंसी कैटेगरी में आ जाती है तो उस सिचुएशन में दिल्ली के अंदर बाहर से ट्रक्स को नहीं एंटर करने दिया जाएगा। अगर देखो ट्रक्स एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके आ रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज दूसरे ट्रक्स को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे भी रोक लग जाएगी। तो ये हमने बेसिक्स की बात की ग्रेडेड एक्शन प्लान की। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिसाइड किया है एयर क्वालिटी जो है अब एमरजेंसी कैटेगरी में आ गई है, इस वजह से हम एमरजेंसी एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब इस कैटेगरी के अंदर जो भी स्टेप्स लिखे गए हैं उन स्टेप्स को अब लिया जाएगा अथॉरिटीज़ के द्वारा, ताकि दिल्ली में एयर क्वालिटी को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जा सके। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी की, जिसने ग्रेडेड एक्शन प्लान का ये पूरा कंसेप्ट दिया था। देखो, इस अथॉरिटी का काम है, यानी ऑब्जेक्टिव है, नेशनल कैपिटल रीजन में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना और हवा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ये जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करती है, एनसीआर में इन्वायरमेंट संबंधित जो मैटर्स होते हैं उन पर सुनवाई करते वक्त ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस अथॉरिटी का निर्माण किया गया था, सरकार के द्वारा इसे नोटिफाई किया गया 1998 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। चेयरमैन के अलावा ईपीसीए में 14 मेंबर्स हैं। कुछ मेंबर्स इस प्रकार से हैं, जैसे एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन, एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, कमिश्नर्स ऑफ वेरियस म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, फॉर एग्जांपल एसडीएमसी, एनडीएमसी और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स, जेएनयू के प्रोफेसर्स,
तो ये कुछ मेंबर्स हैं ईपीसीए के। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ईपीसीए के बारे में और ग्रेडेड एक्शन प्लान के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में है। चीता को देखो, हमारे देश में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में, यानी चीता हमारे देश में नहीं मिलता, लुप्त हो चुका है। 2009 में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ताकि चीता को फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में। प्लान ये था कि नामीबिया, जो कि अफ्रीका में है, वहाँ से चीता को लाया जाए और उन्हें रखा जाए मध्य प्रदेश के नोरादेही सेंचुरी में। आगे आगे उनकी ब्रीडिंग होगी तो शायद फिर से चीता हमारे देश के वाइल्ड लाइफ में मिलने लगे, ऐसा प्लान था। लेकिन देखो, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है, फंड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस की सरकार ने, इस वजह से नामीबिया से चीता को लाया नहीं जा सका और उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सका नोरादेही सेंचुरी में। नोरादेही सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल उपयुक्त जगह है चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि देखो नोरादेही सेंचुरी में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, डेंस फॉरेस्ट नहीं है, इस वजह से चीता, जिसे कि तेज़ रफ्तार के लिए जाना जाता है, आसानी से दौड़ सकता है चीता, और शिकार भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है चीता के लिए नोरादेही सेंचुरी में। मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सेंचुरी है नोरादेही सेंचुरी, जो कि नर्मदा और गंगा बेसिन तक भी फैली हुई है। तो ये पूरा आर्टिकल आप याद रखिएगा, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, कब इसे लॉन्च किया गया था और प्लान क्या है, कौन सी सेंचुरी में चीता को फिर से री इंट्रोड्यूस करने का प्लान है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल शाही लीची के बारे में है। शाही लीची को देखो, ज़्यादातर उगाया जाता है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट और आसपास के इलाकों में। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिल गया है शाही लीची को। शाही लीची को जाना जाता है इसकी मिठास के लिए, रस काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्लेवर यूनिक होता है और सुगंध भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए फेमस है शाही लीची। हम बात करें बिहार के दूसरी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स या फिर दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, एग्जाम्पल है कटरानी राइस, जरदालू मैंगो, मगही पान, ये मुख्य चीज़ें हैं बिहार की जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। 3 से 4 दिन पहले हमने डिटेल से डिस्कस किया था जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है और क्या फ़ायदा होता है अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है। वैसे देखो 350 के आसपास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10-1 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 जिनको जीआई टैग मिलता है, बस आप उनको ध्यान में रख लें तो सफिशियंट है। यूपीएससी करंट में जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला होता है उन्हीं के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल मरिजुआना के बारे में है। वैसे मरिजुआना नहीं बोला जाता, इसे मरिजुआना बोला जाता है। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये है, कनाडा दूसरा ऐसा देश बन गया है अब वर्ल्ड का जिसने मरिजुआना को लीगलाइज कर दिया है, यानी कनाडा में अभी किसी के पास मरिजुआना मिलता है और वो उसे इस्तेमाल करता है रिक्रिएशनल पर्पजेज़ के लिए, मतलब मज़े के लिए अगर कोई मरिजुआना लेता है तो अब इलीगल नहीं है ये चीज़ कनाडा में। कनाडा में देखो मेडिकल के लिए, तो मेडिकल पर्पजेज़ के लिए तो मरिजुआना पहले भी लिया जा सकता था, लेकिन अब मनोरंजन के लिए, मज़े के लिए भी मरिजुआना को लिया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। मरिजुआना के बारे में आपको बता दूं, ये देखो एक साइको एक्टिव ड्रग है, कैनबीज प्लांट होता है, कैनबीज प्लांट से प्राप्त होता है मरिजुआना, और मरिजुआना का दूसरा नाम वैसे कैनबीज भी है, क्योंकि इसे प्राप्त किया जाता है कैनबीज प्लांट से, इसे इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल पर्पजेज के लिए, रिक्रिएशनल पर्पजेज के लिए और इवन रिलीजियस पर्पजेज के लिए भी। नेक्स्ट आर्टिकल प्रकृति प्रोग्राम के बारे में है। इस प्रोग्राम को देखो 3 एंटिटीज़ के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। सबसे पहले है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, दूसरे नंबर पे नवोदय विद्यालय समिति और तीसरे नंबर पे केंद्रीय विद्यालय संगठन। मकसद क्या है, मकसद देखो ये है, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जागरूक किया जाए कैसे फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सकता है, उनको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस प्लेटफॉर्म की सहायता से बच्चे प्रैक्टिकल स्किल्स हासिल कर सकें
और रिसोर्सेज को जुडिशियस यूज कर सकें, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेगी बच्चों को और उन्हें पता लगेगा रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। समय पड़ने पर देखो इन्हीं यूथ को फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए मोबिलाइज भी किया जा सकता है। मतलब कल को अगर सरकार कोई कैंपेन चलाती है बड़े स्केल पे प्लांटेशन करना है, तो ये यूथ जिनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल है फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो ये यूथ उस समय बड़े काम आएंगे, इनको उस समय मोबिलाइज किया जा सकता है। हम बात करें ICFRE की, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और नवोदय विद्यालय समिति मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ग्रामीण इलाकों में, या फिर वो फैमिलीज जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन फैमिलीज़ के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो ऐसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है नवोदय विद्यालय के द्वारा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगर UPSC पूछती है प्रकृति प्रोग्राम क्या है तो आप बता दीजिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ऑन SDG के बारे में है। देखो SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 17वें सेशन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं। और 17 गोल्स के अंदर टारगेट कितने हैं? 169 टारगेट्स हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई जनवरी 2016 से। वैसे तो देखो विभिन्न कंट्रीज के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाइंडिंग नहीं है विभिन्न कंट्रीज के ऊपर, लेकिन फिर भी UN के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी पॉलिसीज या फिर प्रायोरिटीज इस प्रकार से फॉर्मुलेट कर रहे हैं ताकि 2030 से पहले पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सभी टारगेट्स को अचीव किया जा सके, और इंडिया भी इसी दिशा में प्रयासरत है। अब फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण किया गया है। ये कमेटी मॉनिटर करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में हमने क्या कुछ अभी कदम उठाए हैं और कहाँ पे हम पहुँचे हैं। मतलब SDG टारगेट्स को अचीव करने के जर्नी में अभी फिलहाल हमारा स्टेटस है क्या। ये कमेटी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर SDG को पीरियडिकली रिव्यू करेगी, यानी समय समय पर इस कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर SDG को, और रिफाइन भी किया जाएगा इस फ्रेमवर्क को। कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, इनके द्वारा ये कमेटी चेयर की जाएगी। दोनों एक ही पर्सन हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अमूर फाल्कन्स के बारे में है। अमूर फाल्कन्स देखो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स हैं। रैप्टर्स मतलब वो पक्षी जो दूसरे छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। अमूर फाल्कन्स का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है यानी प्रजनन स्थली है वो मंगोलिया, साउथ ईस्ट रशिया और नॉर्दर्न चाइना में है, लेकिन सर्दियों के समय अमूर फाल्कन्स माइग्रेट कर जाते हैं। इंडिया से होते हुए अरेबियन सी से होते हुए साउथ अफ्रीका में जाते हैं अमूर फाल्कन्स। इनके द्वारा शिकार किया जाता है ड्रैगन फ्लाइज का। आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हो ड्रैगन फ्लाइज की। ड्रैगन फ्लाइज भी इसी सीजन में माइग्रेट करते हैं जिस सीजन में अमूर फाल्कन्स का माइग्रेशन होता है। तो अमूर फाल्कन्स के द्वारा शिकार किया जाता है ड्रैगन फ्लाइज का। चूँकि देखो अमूर फाल्कन्स की यात्रा लंबी होती है, ये जाते हैं मंगोलिया, साउथ ईस्ट रशिया और नॉर्दर्न चाइना से साउथ अफ्रीका में, तो बीच में इंडिया में स्टॉप होता है इनका। नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट में दोयांग लेक के पास पंक्ति विलेज है, आमतौर पर यहीं पर स्टॉप होता है अमूर फाल्कन्स का। लेकिन 2010 के बाद से असम मेघालय बॉर्डर में उमरू विलेज हैं, वहाँ पर भी देखा जाने लगा है अमूर फाल्कन्स को। मतलब पहले स्टॉप हुआ करता था इंडिया में पंक्ति विलेज नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 2010 के बाद से ही एक दूसरा स्टॉप भी देखने को मिला है असम मेघालय बॉर्डर पर। एक विलेज है उमरू विलेज, आप इस मैप पर नज़र डालिए, ऊपर असम है यहाँ पे मेघालय है, तो असम मेघालय बॉर्डर पे उमरू विलेज है। उमरू विलेज जो है वो असम और मेघालय के बीच 12 डिस्प्यूटेड एरियाज में से एक है। असम का दावा ये है उमरू विलेज ईस्ट कर्बी एंग्लोन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, और मेघालय ये कहता है उमरू विलेज
रिभोई डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। आर्टिकल में कहा जाता है, लेकिन देखो जब अमूर फाल्कॉन्स अक्टूबर के आसपास आते हैं उमरू विलेज में, तो असम और मेघालय के द्वारा डिस्प्यूट को भुला दिया जाता है और स्वागत किया जाता है अमूर फाल्कॉन्स का। गोरखा और खासी ट्राइबल कम्युनिटीज दोनों का एक ही मकसद है, अमूर फाल्कॉन्स को प्रोटेक्ट करना। इसी वजह से इवन फाइन भी रखा गया है इन दोनों ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा, अगर कोई अमूर फाल्कॉन को मारता है, पकड़ता है, तो उस पर 25,000 रुपये फाइन लगाया जाएगा। अमूर फाल्कॉन फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है 2015 के बाद से। क्वेश्चन देख लीजिए, तीन स्पीसीज क्लाउडेड लियोपर्ड, अमूर फाल्कॉन और हुलोक गिबन, ये तीन स्पीसीज नेचुरली कौन से रीजन या फिर कौन से स्टेट में मिलती हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न घाट, बालाघाट रेंज। आंसर आसान है, अभी भी हमने डिस्कस किया अमूर फाल्कॉन के बारे में, तो ये तीनों जो स्पीसीज हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलती हैं नेचुरली। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स हैजार्डस कैटेगरी में पहुंच गया है। 32 मॉनिटरिंग स्टेशन से डेटा कलेक्ट किया गया और ये पाया एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 366 है। 366 मतलब हैजार्डस कैटेगरी में पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इससे लोगों पर बहुत ही नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट होगा। और आगे 7 नवंबर को देखो दिवाली भी है, तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन और भी बढ़ेगा। सरकार प्लान कर रही है दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए। कल या परसों में सरकार इस प्रकार का डिसीजन ले सकती है ताकि एयर की क्वालिटी को और ज़्यादा खराब होने से रोका जा सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन कौन सी गैसेस के आधार पर तैयार किया जाता है, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा भी था। ये 8 गैसेस हैं, इनके आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है और हर एक 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है वैल्यू के आधार पर, और हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट कलर है। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट कलर है ताकि जनता आसानी से आइडेंटिफाई कर सके शहर में अभी फिलहाल एयर की क्वालिटी कैसी है। क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, आप साइड में मत देखिएगा, आप बताइए इनमें से कौन सी गैस शामिल है जिसके आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो आसान क्वेश्चन है, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2016 में एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला क्वेश्चन। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।